यदि आप गरीब परिवार में जन्म लिए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं तो यह आपकी गलती है। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बिल गेट्स का। वे अपनी मेहनत और लगन की वजह से वे एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं कि अगर वो इस विश्व में अपना एक अलग देश बनाए तो भी वह दुनिया का 37वां सबसे अमीर देश होगा। बिल गेट्स वर्तमान समय में प्रत्येक दिन 102 करोड़ रुपए कमाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि अगर बिल गेट्स अपना पूरा रुपया इस दुनिया में बराबर बराबर बांटे तो प्रत्येक व्यक्ति को 5000 रुपए मिलेंगे। बिल गेट्स का वास्तविक नाम विलियम हेनरी गेट्स है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के सिएटल में हुआ था। बिल गेट्स के पिता का नाम विलियम एच गेट्स था, जो कि एक फेमस वकील थे। उनके पेरेंट्स उन्हें लॉ में करियर बनवाने की सोच रहे थे, लेकिन उन्हें कंप्यूटर के बारे में और प्रोग्रामिंग भाषा को जानने में काफ़ी रुचि रखते थे। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई लेकसाइड स्कूल से हुई। उस स्कूल की तरफ से कंप्यूटर सीखने के लिए और अधिक से अधिक जानने के लिए कंप्यूटर के बारे में सभी बच्चों को एक एक कंप्यूटर दिया गया था, जिससे पाकर बिल गेट्स की रुचि कंप्यूटर में और बढ़ने लगी। उन्हें कंप्यूटर सीखने से ज़्यादा उनकी रुचि थी कि कंप्यूटर काम कैसे करती है यह जानने की। कुछ समय बाद कंप्यूटर सीखने के बाद उन्होंने 13 साल की उम्र में बेसिक कंप्यूटर की भाषा में एक टिक टैक टो का नाम का प्रोग्राम बनाया, जो कि एक प्रकार का गेम था। उसमें खास बात यह थी कि इस गेम को खेलने के लिए कोई दो व्यक्ति की जरूरत नहीं थी, वह डायरेक्ट कंप्यूटर से खेला जा सकता था। उसमें एक सिंगल प्लेयर खेल सकता था। स्कूलिंग के समय ही बिल की मुलाकात पॉल इलेन से हुई थी, जो उनसे 2 साल सीनियर थे। वे कंप्यूटर के अच्छे धारणाओं और विचारों की वजह से वे दोनों एक अच्छे मित्र बन गए, और वास्तव में उनके स्वभाव बिल्कुल भी मिला नहीं करते थे। पॉल इलेन बहुत ही शर्मीले और शांत स्वभाव के थे, और बिल गेट्स उनके विपरीत थोड़े चंचल स्वभाव के थे। बिल गेट्स के स्कूल वालों ने उन्हें और उनके दोस्त को कंप्यूटर लैब जाने का रोक लगा दिया था, क्योंकि वे दोनों अपने कंप्यूटर सीखने के वक्त के अलावा अपनी पढ़ाई छोड़कर सारा वक्त लैब में बिताते थे और अक्सर हाँ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। और बाद में फिर उन्हें इस बात पर लैब जाने की अनुमति दी गई कि वे कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर निकालेंगे, और वे इन सभी चीज़ों में काफ़ी तेज थे। कंप्यूटर में उनकी रुचि बचपन से ही बहुत थी और अभी प्रेजेंट टाइम में भी है। और उसी समय गेट्स ने एक और सॉफ्टवेयर बनाया जो कि स्कूल के टाइम टेबल शेड्यूल में काम आता था। सन 1970 में 15 साल की उम्र में ही बिल गेट्स और पॉल इलन ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया जो कि शहर के ट्रैफिक पैटर्न्स पर नज़र रखता था, और इन्हें इस प्रोग्राम के लिए $20,000 मिले, जो कि इनकी पहली कमाई थी। 1973 में वे लेकसाइड स्कूल से पास हुए और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और फिर बिल गेट्स ने 1975 में बिना ग्रेजुएशन किए कॉलेज को छोड़ दी और अपनी कंपनी की तरफ ध्यान देने लगे। 26 नवंबर 1976 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया, और देखते देखते कंप्यूटर की दुनिया में ये कंपनी काफ़ी छा गया और सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया, और यह कंपनी काफ़ी तेजी से ग्रो हुआ। बिल गेट्स ने ऐसा कहा है कि उनकी संपत्ति में भी उनके बच्चों का भी कोई अधिकार नहीं होगा। बिल कहते हैं कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे,
लेकिन कमाई का तरीका उन्हें अपने रास्ते खुद ही निकालना पड़ेगा। गेट्स बचपन से ही एक सहायक व्यक्ति थे और वे गरीबों की मदद किया करते थे, और आज भी वे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हर साल करोड़ों रुपया दान कर देते हैं। गेट्स ने अपनी पूरी जीवन काल में कभी हार नहीं मानी। उनका हमेशा से यही मानना है था कि गलतियां तो सभी से होती है, लेकिन उन गलतियों को जो सुधार करने का प्रयास करे वही जीवन में सफल हो पाता है। और दोस्तों आज भी वे काफी प्रगति कर रहे हैं। तो दोस्तों यह थी कहानी से धनी व्यक्ति की कहानी बिल गेट्स की, द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट की। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया करके लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो इसे डिसलाइक करें, ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट्स बनाने की कोशिश करूं। सो धन्यवाद।